खबर है नई दिल्ली से। वस्तु और सेवा कर परिषद की कल होने जा रही बैठक कई मायनों में काफी अहम मानी जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में होने जा रही है जीएसटी परिषद की बैठक। जीएसटी की दरें घटाने पर भी फैसला हो सकता है। चर्चा है जीएसटी की 12 और 18 फीसदी की दरों का विलय कर एक दर बनाई जाएगी। दोनों टैक्स स्लैब को एक करने की मांग काफी दिनों से उठ रही है। केंद्रीय मंत्री समूह ने भी जीएसटी दरें घटाने को लेकर अपनी रिपोर्ट जीएसटी परिषद को सौंप दी है। रिपोर्ट में टैक्स स्लैब में विलय के साथ 0 GST वाले कुछ उत्पादकों को कर के दायरे में लाने का सुझाव भी दिया गया है। जानकारों ने बताया कि बैठक में कपड़ों पर टैक्स की दर बढ़ाने के फैसले को टालने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बजट के पूर्व 46वीं बैठक को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। अधिकार संपन्न जीएसटी परिषद की बैठक ऑफलाइन होने जा रही है, लेकिन कोविड नियमों को देखते हुए प्रत्येक राज्य से केवल 2 अधिकारियों की ही बैठक में भाग लेने की अनुमति है। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में फुटवेयर और कपड़ा सेक्टर व उल्टे कर ढांचे को ठीक करने के लिए इन दिनों क्षेत्रों के उत्पादों के लिए 1 जनवरी 2022 से जीएसटी दरों के स्लैब में फेरबदल करने का फैसला किया था। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 28 फरवरी दर्ज किया है। प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट किया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म GSTR-9 में वार्षिक रिटर्न और फॉर्म GSTR-9C में स्व प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि बढ़ा दी गई है।